हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है रोशन। आप लोग देख रहे हो रोशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज आप लोगों को शायद थंबनेल देखकर पता ही चला होगा इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ HDFC का जो जो वर्चुअल रुपये क्रेडिट कार्ड दी जा रही है उसको आप ऑनलाइन पे अप्लाई कैसे कर सकती हूँ। जो रुपए क्रेडिट कार्ड आप लोगों को पता ही होगा रुपए क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से लिंक करके उसका बैलेंस या कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो जी, वो भी 0% पे। तो उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं जो आप ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका क्या क्या चार्जेस वगैरह रहेगा, तो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँ, अगर आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है देन तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड को। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ब्रांच या कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो HDFC का। मैं वो अगर उसके लिए अलग वीडियो चाहिए, अगर आपके पास कोई HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसके लिए अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड जिसके पास है वही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है MyHDFC। तो MyHDFC में सर्च कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया है, ये सेम पोर्टल आएगा, यहाँ पे आएगा mycards.hdfc.com। यहाँ पे आपको पोर्टल दिख रहा होगा, देखिए मैं यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी अलग से पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर आपको एंटर करने के लिए, तो मेरा मोबाइल नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ। जो आपका मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक है वही आपको एंटर करना है, जो क्रेडिट कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर, देखिए मेरा अपना मोबाइल नंबर एंटर करके मैं सबमिट कर दिया हूँ, तो OTP भी आ चुका है मेरा नंबर पे। तो OTP मैं एंटर कर लेता हूँ, हाँ OTP एक बार मैं एंटर करके सबमिट करने की कोशिश कर, देखिए OTP एंटर करके मैंने सबमिट कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे OTP जब भी मैंने एंटर करके सबमिट कर दिया, देखिए मेरा जो क्रेडिट कार्ड है पहले का तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है। उसके नीचे देखिए 5% कैशबैक ऑन ऑल योर यूटिलिटी बिल्स ऑन दैट एडिशनल क्रेडिट कार्ड, इसी कार्ड को हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखिएगा नीचे आपको लिखा है अप्लाई नाउ बटन, तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे अभी फिलहाल। हाँ देखिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही हम लोगों के पास पूरा क्रेडिट कार्ड का ये डिटेल्स खुल गया है, जो रुपए कार्ड हम लोगों को ऑफर की जा रही है, तो आप लोगों को भी मिला होगा। आप अप्लाई करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखिएगा वीडियो में मैं क्या क्या करता हूँ, वरना फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा ऐसा नहीं है वैसे आपको नहीं मिला इस कार्ड का। मेरे पहले अब ये बता रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन है दिया गया है। हाँ इस कार्ड का आपको फर्स्ट ईयर का फ्री मिलेगा, एनुअल चार्जेस जो मिलता है वो फ्री है रहेगा, और 3% कैशबैक पॉइंट मिलेगा ऑन ग्रोसरी स्मार्ट मार्केट डूइंग स्पेंड ऑन पेजा ऐप स्पेंड पर। यहाँ पे ये कहा गया है ग्रोसरी अगर मैं कुछ सामान खरीदूँगा तो उसमें आपको मेरे को 3% कैशबैक कैश पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे 2% कैश पॉइंट मिलेगा मेरे को यूटिलिटी स्पेंड पर, और यहाँ पे कार्ड मिलेगा ओनली वर्चुअल कार्ड ही मिलेगा, नो फिजिकल कार्ड ही मिलेगा। और एनुअली फीस जो लगेगा 255 रुपीज़, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये मेंशन किया, अगर मैं 25,000 रुपये में एनुअली स्पेंड कर देता हूँ तो इस कार्ड में मुझे एनुअली फीस नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर फ्री है, नेक्स्ट ईयर से लगेगा 250 रुपीज़ प्लस GST। तो आप लोग अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो नाउ मोर पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग का पढ़ना है तो आप कर जरूर पढ़ सकते हो। तो अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ देखिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही मेरा कार्ड का जो लिमिट है फिलहाल जो लिमिट है वो शो हो रहा है, और मेरा कार्ड डिलीवरी एड्रेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप कार्ड डिलीवरी अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो हाउ टू रिक्वेस्ट एड्रेस चेंज यहाँ पे आप चेंज करा सकते हो, तो उसके लिए अलग से अगर वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, तो आप कमेंट में बताइएगा आपको एड्रेस चेंज करने के लिए वीडियो चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको नीचे देखिए आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड बोल का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एग्री का बटन दिख रहा है नीचे, एग्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जो आपने क्रेडिट कार्ड के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में, आपने जो भी क्रेडिट कार्ड लेते समय डेट ऑफ बर्थ डाला होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है, कोई गलत आपको डालना नहीं है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ मेरा पूरा डेट ऑफ बर्थ, अभी पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट करने के बाद देखिए फिर ओपन HDFC बैंक पेज बोल के ऑप्शन आया, एक्सटर्नल पेज में खुल सकता है इसमें बताया गया खोलेगा, तो पोस्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया
आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तीन चार ऑप्शन आएगा अगर आपके पास आप लॉगिन, अगर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है मेरे को लॉगिन करने के लिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन आया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया होगा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से लॉगिन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। मेरे को करना है, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है HDFC का, और नेट बैंकिंग भी नहीं, क्योंकि मैं HDFC बैंक का सिर्फ मेरा क्रेडिट कार्ड ही है, इसमें मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जो करना है क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड का आखिरी का चार डिजिट मांग रहा है, जो चार डिजिट में एंटर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सेम प्रोसेस करिएगा। मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड का चार डिजिट मैंने इसमें लगा दिया हूँ, एंटर कर दिया हूँ। यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछा जा रही है, जो एक्सपायरी डेट आपको सही सही एंटर कर लेना है। मैं एंटर कर रहा हूँ मेरा कार्ड का जो एक्सपायरी डेट रहेगा वो मैं एंटर कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वही एंटर करना है, तो वो मैं एंटर कर लेता हूँ। आप लोग देख रही हो मैंने सारा कुछ एंटर कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको एग्री का बटन दिख रहा है, एग्री पे यहाँ पे वेरीफाई कार्ड पे क्लिक करना है। मैं वेरीफाई कार्ड पे क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 ईयर रुपये बीच क्रेडिट कार्ड, 7 क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यू विल रिसीव द फिजिकल कार्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। यू विल बी नोटिफाइड वाया SMS और ऑन रजिस्टर ईमेल ID टू सेट पिन एंड एनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे बोला गया 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकल कार्ड मिलेगा वाया SMS और रजिस्टर ईमेल ID के द्वारा। तो मुझे अभी फिलहाल बोल रहा है कि उस टाइम हम ये कर सकता हूँ, पिन सेट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई भी इशू आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।